गुजरात दुष्कर्म कांड में पुलिस ने आज चार लाख मोबाइल डेटा की जांच की और आठ सेकंड की काल से सुराग अंततः मिल गया जिसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया गुजरात के वडोदरा शहर के नवलखी मैदान क्षेत्र में 28 नवंबर को हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया आरोपी की पहचान किशन कालूभाई माथा सूर्या और यशोवनराज सोलंकी के रूप में हुई अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को चार लाख मोबाइल डाटा की जांच के बाद आरोपियों का सुराग सिर्फ आठ सेकंड के एक संदिग्ध काल से मिला वारदात वाले दिन घटनास्थल के आसपास सक्रिय मोबाइल नंबरों को खंगालकर उनकी कॉल रिकॉर्डिंग की जांच पुलिस ने की संदिग्ध नंबर पर सिर्फ आठ सेकंड की बातचीत हुई थी इसके अलावा बीड़ी का बचा हुआ हिस्सा और पीड़िता के मंगतक के दोपहे की चाबी से आरोपियों को शनाख्त करने में मदद मिली है कुल मिलाकर गुजरात का यह कांड भी बेहद चर्चा का विषय बना हुआ था। इसी बीच, देश में महिला सुरक्षा पर छिड़ी बहस के बीच पीएम मोदी ने पुलिस के शीर्ष अधिकारियों से कहा है कि वे जिम्मेदारी निभाएं ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें। सब्सक्राइब एंड प्रेस आइकन फॉर मोर अपडेट्स।